समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझे, तो कुछ समझे। दुनिया में अगर सफल होना है तो दो तरीका अपना, या तो रट्टा मार या तो समझो, दो ही तरीका है जिससे आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी में अगर सफल अगर नहीं हो पा रहे, यानी आपको जिंदगी में ऐसा चीज है जो आप हासिल करना चाहते हो, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो कोई चीज पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते, तो नहीं समझने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो आप उसको रट्टा मारो या तो उसको समझो। कभी कभी रट्टा मार भी आपके जिंदगी को सफल बना सकता है। उसका एग्जाम्पल अभी मैं तुरंत देने वाला हूं। महात्मा गांधी ने संस्कृत को लर्न करने का बहुत प्रयास किया, शब्द रूप धातु रूप, लेकिन वो कभी भी उसको पूरी तरह याद नहीं कर पाए। इसके चलते वे अपने शिक्षक द्वारा मारे भी गए, बहुत बार उनकी पिटाई की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही व्यक्ति एक बैरिस्टर और एक बापू जाना गया? लेकिन आखिर क्यों ये संस्कृत सबका सरदर्द बना हुआ? अभी मैं आपको एक शब्द रूप को लर्न करने सिखाता हूं, ठीक है, आप उसको देख। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको मुनि शब्द रूप सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। मुनि मुनि मुनिया मुनि 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 मुनिना मुनि भ्या मुनि भी मुने मुनि भ्या मुनि भ्या मुने मुने मुनिना मुनो मुने मुनि सु हे मुने मुनिया। फिर से देखो, मुनि मुनि मुनिया मुनि 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 मुनिना मुनि भ्या मुनि भी मुने मुनि भ्या मुनि भ्या मुने मुनि भ्या मुनि भ्या मुने मुने मुनिना मुनो मुने मुनि सु हे मुने मुनिया। ठीक है, दिस इज द शब्द रूप, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस क्लास कि आई एम नॉट ए संस्कृत टीचर, आई एम मैथमेटिक्स टीचर एंड द साइंस टीचर, प्रोफेशनली आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सो फिर भी मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूं, दिखाया हूं। आपको समझना होगा कि कैसे आप अपने ऐसे चीज जो आपके कमजोर है उसको भी आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। अब आप इसको समझना, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बारीकी से इसको अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको समझना है कि नहीं मेरे को संस्कृत में सचमुच महारत हासिल करना है, तो उसमें आपको घुसना होगा, उसमें एंट्री करना होगा, तभी जाके आप संस्कृत को समझना होगा। तो अभी इसको समझने के बाद आपको सबसे पहले ये पूरा चीज समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कारक। कारक एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हिंदी और संस्कृत दोनों में क्वेश्चन आते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं आपको कुछ हिंदी के कारक के कुछ एग्जाम्पल देंगे जो आपकी इस बार का बोर्ड में काफी काम आने वाला है, समझा। उसमें कारक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कारक क्या होता है? कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है। ये जो कारक के आठ मूल रूप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसी कारक का 8 शब्द रूप पे हमारा सारा शब्द रूप निहित है। यहां तक कि जब हम बोलने हिंदी में भी बोलने के कर्म यूज करते हैं तो इन्हीं कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि राम ने रावण को मारा, तो देखो कर्ता ने कर्म को मारा, और कर्ता कौन था? राम था, और कर्म कौन है? रावण है। मैं बोलूंगा कि राम ने रावण को धनुष से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से आ गया, ठीक है। तो राम ने रावण को क्या से मारा? धनुष से मारा। अब किसलिए मारा? तो राम ने रावण को धनुष से उसकी जघन अपराध के लिए मारा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अब कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हो उसमें निहित जो रूल्स है उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक उस रूल्स को नहीं समझोगे तब तक आपका जो दिमाग उस पर फॉलो नहीं करने सकेगा। तो आप सबसे पहले रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप रूल्स नहीं समझोगे तब तक मुश्किल है। अब देखो मैं थोड़ा इसके लेकर एक कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी मैं जैसे अधिकतर लोग इस करण से और इस अपादान से में कंफ्यूज रहते हैं। इस करण से में मतलब क्या होता है कि के द्वारा भी बोल सकते हो, और यहाँ पे अपादान से में अलग होता है, ठीक है, दोनों में अलग। अब क्वेश्चन क्लास 10 में क्वेश्चन कैसे आता है? अगर मैं बोलता हूं कि मैं कलम से लिखता हूं, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूं, आप बोलेगा कि भाई इसमें क्वेश्चन कैसा देता है कि भाई इसका ए इसमें आप डाल देगा करण कारक, ठीक है, करण कारक, बी अपादान कारक, अपादान कारक, ठीक है, सी करण कारक,
कर्म कारक और डी नन ऑफ दिस, कोई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप कैसे समझते हो? तो देखो मैं कलम से लिखता हूं, तो यहां पे भी से आ रहा है और यहां पे भी से आ रहा है, देखो दोनों में से आ रहा है। तो मैं कलम से लिखता हूं तो ये कर्म से का मतलब क्या? तो देखो यहां पे अगर आप किसी चीज को पकड़ के लिखते हो, मतलब पकड़ के करते हो, मैं उसको तलवार से मारा तो तलवार को पकड़ के मारा, तो उस केस में क्या होता है? ये मेरा करण कारक होता है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां पे देखो पेड़ से, यहां भी से का यूज किया गया। ज्यादातर आप क्वेश्चन देगा तो उसके नीचे अंडरलाइन दिया जाएगा, और इसमें भी ऐसे ही आपको एक ऑप्शन रहेगा जो इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे करण कारक, अपदान कारक, कर्म कारक, और मैं लास्ट में नल ऑफ दिस मार देता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, तो अलग होने के केस में हम लोग क्या करते हैं? अपदान। तो यहां पे अपदान कारक में अलग होता है, तो याद रखिएगा कि करण कारक में कोई चीज जो होता है साथ में होके होता है और अपदान कारक में अलग होता है।